हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीएससी एचसीएम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप कहां से, आपको क्वेश्चन सारे के सारे जितने भी हैं कहां से करना है, मैं इस बात के लिए श्योर हूं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे अगर आपने मैं जो बता रहा हूं वो फॉलो किया तो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर आपका कहाँ से आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो, कंप्यूटर का आपको क्या करना है, RW की एक प्लेलिस्ट है नवीन सर की, ठीक है, पुरानी प्लेलिस्ट है, लेकिन आपको वो प्लेलिस्ट आपको नोट्स बना लेना है, सब कुछ कर लेना है, ताकि आप दोबारा उनको रटो, कैसे ही करो, एक दिन में करो, दो दिन में करो, उनको रट डालो और एक छोटी कॉपी में नोट्स बना लो चाहे, ठीक है। वो अगर आपने कर दिया तो कंप्यूटर में आप जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सही कर पाओगे, और जो आपसे नहीं होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा, वो मान लीजिए 90% छात्रों से वो नहीं होगा, तो आपसे नहीं होगा वो प्लेलिस्ट अच्छे से करने के बाद में, तो वो 90% छात्रों से वैसे भी नहीं होने वाला है, ये भी चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो वो कर लेना, कंप्यूटर का आपका काम हो जाएगा, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है वो कंप्यूटर का निकालो तो निकाल लेना, आपको वो पढ़ने के बाद खुद लगने लगेगा कि ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है, टिक कर दोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई कंप्यूटर के लिए। अब बता रहा हूँ रीजनिंग के, रीजनिंग के मुझे पता है किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, रीजनिंग का एक ही फंडा है, प्रीवियस ईयर की जितने भी सेट है वो निकालते जाओ, एक बार टॉपिक क्लियर सेट निकालते जाओ, 25-25 क्वेश्चन का, 30-30 जितना भी क्वेश्चन है, GD वाले हो, MTS वाले हो, कुछ भी हो, CGL वाले हो, SSC के प्रीवियस ईयर जितने भी, रीजनिंग के निकालते जाओ, रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स है। और मुझे पता है रीजनिंग में बहुत सारे छात्रों को प्रॉब्लम होती ही नहीं है, ठीक है। और रही बात अब मैथ्स की, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में से, अब वो बता देता हूँ आपको क्या चूज़ करना है। मेरे ख्याल से आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए, जब आपको हिंदी भाषी क्षेत्र से आप आते हैं तो आपको हिंदी चूज़ करना चाहिए। एक मिनट, बीच में थोड़ा कॉल आ रहा है, कट कर देता हूँ। देखो, अगर आप हिंदी भाषा क्षेत्र से हो तो आपको हिंदी ही चूज़ करना चाहिए, इंग्लिश नहीं चूज़ करना चाहिए, चाहे आपका इंग्लिश कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिंदी में आप पूरे में से पूरे ला सकते हो, इसकी हिंदी इतनी हार्ड नहीं आती। प्रीवियस ईयर के सेट निकालिए, GD वगैरह के, हिंदी में टॉपिक वाइज कीजिए, जो भी SSC का पैटर्न है उसमें वही इसमें आने वाला है, BSA में, तो हिंदी इतनी हार्ड नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो आप हिंदी, ऐसे आप हिंदी कर लेना, क्या बताएं, हिंदी में ना प्रीवियस ईयर, और जो इसका हिंदी में प्रॉब्लम जो आएगी आपकी किस में आएगी, विलोम शब्द में, प्राइवेसी में, तो वो आप अलग से इनका वीडियो देख सकते हो, कहीं से किसी का भी देखो, बुक से आप पढ़ लो, एक एक बार सारे निकालो, रोजाना एक एक बार देख लो 10-15 मिनट में, सारे जितने भी जो विलोम शब्द हैं, प्राइवेसी शब्द है, वो सारे एक एक बार देख लो, आपका हिंदी हो जाएगी। अब रही बात मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की, मैथ्स में कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं वो बताता हूँ, मैथ्स का पैटर्न क्या है। और अब आपका आपका देखो मेन फोकस किस पे रहना चाहिए, टेस्ट सीरीज पे रहना चाहिए, सारा का एक टेस्ट आप दिन में लगाओ आप, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो साप्ताहिक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब तो साप्ताहिक टेस्ट लगाओ, एग्ज़ाम पास में आ जाए, ज़्यादा कम दिन बचे तो रोज़ाना एक सेट आपको लगाना चाहिए, ठीक है। और सेट कौन से, प्रीवियस ईयर के सेट, SSC GD के क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी फिर भी आप मेंसुरेशन वगैरह है, मेंसुरेशन के आएंगे इसमें, और क्षेत्रमिति के, और क्षेत्रमिति क्या, ज्योमेट्री के भी आएंगे इसमें, तो वो क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। तो 2D 3D पैटर्न है, उसमें आपको ध्यान रखना है, मेंसुरेशन में 3D पैटर्न के जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे जो है ना, ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मतलब जितने भी एक बार सारे आप रट लो, ये फॉर्मूले पे भी आपके हो जाएंगे, किस क्षेत्रफल निकालना हो, या फिर ये सारे के सारे फॉर्मूला एक बार रट जाओ, 2D 3D के जितने भी है फॉर्मूले रट जाओ, 3D के फॉर्मूले ज़्यादातर, ये ध्यान रखना, क्योंकि आसान क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला बेस पे आप कर दोगे। और मेरे पुराने वाले वीडियो जो है CISA PHCM वगैरह के, उनमें देख लेना, मैंने जो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन बताए हैं आपका, एक पूरा वीडियो बनाया है उसमें से, और बहुत सारे क्वेश्चन छपे भी है, वो कर लेना, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। वो प्रीवियस ईयर पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा निकालो, ठीक है। कौन से वाले क्वेश्चन बता दिया, SSGD के क्वेश्चन, SSC वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो निकालो सेट वाइज, तो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया तो पूरा सेट निकालो, 25 क्वेश्चन का ये आपको सेट निकालना चाहिए, तब आपका आसानी से हो जाएगा। और GS तो है नहीं, तो आपका स्कोर, आपके पास चांस है अच्छा स्कोर करने का, 80+ स्कोर, GS नहीं है तो आपका 80+ स्कोर होने चाहिए, ये आपको टारगेट बना के रखना है, ठीक है। तो बाकी क्या रहा है, इंग्लिश के लिए,
इंग्लिश के लिए भी जिन छात्रों ने इंग्लिश चूज़ किए उनके लिए भी इंग्लिश का भी यही है कि आपको फोकस ज़्यादा वोकेबलरी पे करना चाहिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो पेसेज वगैरह उन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट पेसेज वगैरह कुछ भी इसमें दे सकते हैं। तो वो आप सेट तो वही लगाना है एसएससी के प्रीवियस ईयर, क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। और जो छात्र एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये इसमें मॉक टेस्ट लगाएगा, उसमें नंबर उसके 70+ ही आएंगे, तो आपका वैसे लगाना है। और अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्लरिकल एप्टीट्यूड कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, एकदम आसान सा है। जो भी टेस्ट बुक हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ है उसमें आपको जो टेस्ट का पैटर्न दे रखा है उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आता है क्लरिकल एप्टीट्यूड वगैरह, वैसे ही आना है आपको, ज़्यादा अलग डिफरेंट टाइप में नहीं आता है। वहाँ जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है अगर आया तो वही आएगा, अगर इसमें जीएस पूछ लिया तो वो सबकी फंसेगी, आपके अकेले के नहीं फंसोगे उसमें, थोड़ा थोड़ा जीएस तैयार रख लेना। क्लरिकल एप्टीट्यूड लिखा है तो क्लरिकल एप्टीट्यूड ही कुछ एग्ज़ाम है जिसमें जीएस पूछ लिया गया, तो वो भी आप साथ में तैयारी रखना। तो क्लरिकल एप्टीट्यूड ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले हैं, देख लेना टेस्ट लगा के। मॉक टेस्ट जरूरी है, आपको सब कुछ समझ आएगा। मॉक टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स आपके रियल एग्ज़ाम में आना है, उससे ज़्यादा आ सकते हैं, बाकी कम नहीं आना है, इधर उधर नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। और कम आएंगे तो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग रहना है, क्योंकि आपका अभ्यास ज़रूरी है इसमें, आपका टेस्ट का जो अभ्यास है वो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, जय हिंद जय भारत।